हमेशा डॉक्टर के साथ मारपीट होती है, आज रेप हो गया और मर्डर तक भी हो गया। कोई प्रोटेक्शन हमारे कॉलेज में ही नहीं है, कोई भी कभी भी घुस सकता है, कहीं भी घुस सकता है। कॉलेज के जो स्टाफ है उनको रिजाइन करना चाहिए पूरे ऊपर से नीचे तक को। इट इज अ बेसिक नीड, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक इंसिडेंस है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए डॉक्टर्स को। कोई प्रोटेक्शन हमारे कॉलेज में ही नहीं है, कोई भी कभी भी घुस सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आएगा और जस्टिस नहीं मिलेगा हमको, ये जैसे आप सब जानते हैं, पूरे देश जानते हैं, जो कलकत्ता में आरजी का मेडिकल कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ, इतना दर्दनाक इंसिडेंट हुआ है हमारे देश की बेटी के साथ, तो हम सारे ऐसे डॉक्टर नहीं, ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, ऐसे इंडियन, ऐसे हिंदुस्तानी बन के हम सब 4-5 दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल तक हम पीसफुल प्रोटेस्ट इसीलिए थे क्योंकि 15 अगस्त है, क्योंकि वी आर द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमें इन चीज़ का ख्याल रखना है। तो कल शाम तक हमने बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, आज हम मजबूर हो गए कि हमारी आवाज़ कोई कहीं से नहीं सुनाई जा रहे, तो आज हम यहाँ तक आए हैं। तो हमारे में पूरी राइट्स है, हम यहाँ क्यों ना आए, जब हम पे आप पहले हम पे सिर्फ पिटाई होती थी, आज हम पे लाठी चार्ज हो रही है। आज डॉक्टर साहब ने कल इंसिडेंट देखा होगा, मॉब्स ने कितने बारबेरिक तरीके से वहाँ पे सारे चीज़ में तोड़ दी वहाँ पे। तो इसलिए हमारे मांग है मैम कि एक तो जो बेटी है हमारी, जो बहन है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन CBI को सौंपी गई है, उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन और क्रिस्टल क्लियर चीज़ें पब्लिक के सामने रखा जाए। दूसरा हमारी मांग है मैम, ताकि ये चीज़ें दोबारा ना हो आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि आपने देखा होगा हमेशा डॉक्टर के साथ मारपीट होती है, आज रेप हो गया और मर्डर तक भी हो गया। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें दोबारा ना हो, इसलिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले बोला था कि हम ऐसे एक लाएंगे, लेकिन अफसोस 8 साल हो गए जो वो एक अभी तक हमें देखने को नहीं मिलता है। हमारी डिमांड है आरजीकर कॉलेज की जो भी हो रखा है उसको पहले सोल्व किया जाए, जो उनके डिमांड आरजीकर कॉलेज के हम के साथ खड़े हैं। आरजीकर कॉलेज के जो स्टाफ है उनको रिजाइन करना चाहिए पूरे ऊपर से नीचे तक को, और जो उसको बिल्कुल नया मिलना चाहिए। जो अभी जो गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, पोस्टमार्टम डिटेल में कुछ और निकल के आ रहा है, जो पहले कुछ और बताया गया था, सुसाइड बता दिया गया था, विक्टिम को साइकोटिक बता दिया गया था, जो बहुत गलत है। जस्टिस विनायक यही जस्टिस है क्या? मतलब एक डॉक्टर जो PG बन चुकी रेजिडेंट है, उसको इतने साल बाद में ये झेलना पड़ेगा कि नॉर्मल कॉमन आदमी कहाँ झेलेगा इस चीज़ को? अभी तो फिर भी वो एक डॉक्टर है, बहुत सोसाइटी में हाई लेवल पे है, उसको ये झेलना पड़ा है कि उसके इतने हीनियस क्राइम को सुसाइड बता दिया गया है, ये बहुत गलत है। Justice for our sister, for our doctor, for the nurses, daughter of our nation. We want justice for our country.